लावारिस मृतकों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से कई संस्थाएं लावारिस मृतकों की अस्थियों को हरिद्वार लाकर गंगा में विसर्जित कर पुण्य कमा रही हैं। आज दिल्ली की ब्राइट द सोल फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने सती घाट पहुँच कर 150 लावारिस लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। सती घाट पर पूरे विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित कर मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई। फाउंडेशन की अध्यक्ष के मुताबिक वे पिछले कई सालों से लगातार लावारिस मृतकों की अस्थियों को इकट्ठा कर उन्हें गंगा में विसर्जित करती हैं। अब तक 2000 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जा चुकी हैं। लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती हूँ मैं अपने हाथों से। जितनी भी लावारिस बॉडी होती है मुझे पता चलता है, मैं उनका दाह संस्कार करती हूँ और हर महीने की अमावस्या पर उनकी अस्थियों को लेकर गंगा जी में विसर्जित करती हूँ, ताकि गंगा मैया इन पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में जगा दे, अपनी चरणों में जगा दे। मैं 2000 से ज़्यादा लावारिस अस्थियों का विसर्जन कर चुकी हूँ और दाह संस्कार कर चुकी हूँ अपनी संस्था द्वारा। आगे भी जारी रहेगा जनाब। मैं ये पूरा काम अकेले करती हूँ और मुझे किसी भी तरीके से कोई फंड या कोई हेल्प नहीं आती है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।